नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, व्रत की सामग्री के दामों में उछाल। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माता के मंदिर में जयकारों के साथ भक्तों की भीड़ देखी गई। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालु माता की आराधना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भक्तों की भीड़ ने मंदिरों को भक्ति और उत्साह से भर दिया है। इस अवसर पर व्रत की सामग्री के दामों में उछाल आया है। व्रत की सामग्री के दामों में उछाल के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इससे उनकी भक्ति और उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्नाव के शुक्लागंज स्थित दुर्गा माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने पहले ही व्रत की सामग्री खरीद ली थी और सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारियों में जुट गए। नवरात्रि के अवसर पर पूजन सामग्री की कीमतें बढ़ने से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। नारियल, चुनरी, कलश जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे व्रत करने वालों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। नारियल की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई है और चुनरी की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई है। इसके अलावा कूटू का आटा, सिंघाड़ा आटा, मखाना जैसी सामग्री की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फल और पूजा सामग्री की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे व्रत रखने वाले लोगों के लिए कठिनाई बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु माता की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ है, जिससे भक्तिमय माहौल बना रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।